हक्कड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। राहुल गांधी जी को बुलाया है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। वो जाएंगे, हम साथ में जाएंगे। साथ में किसी के साथ जाना तो कोई ये तो कोई क्राइम नहीं है, ये तो कोई परमिशन नहीं है सर। परमिशन नहीं, लोग जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। हम लोग काल से इससे गुहार लगाते हैं कि भाई होम सेक्रेटरी से फोन किया, कल अमित शाह जी से भी मैंने फोन किया और उनको ये गुहार लगाई कि हम लोग ये राहुल गांधी हमारा नेता है, उनको साथ हम जाना चाहते हैं, तो जवाब नहीं देते हैं। ये जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? आसमान टूट पड़ेगा क्या? हमारे नेता के साथ कहीं हम जाने नहीं सकते? हम क्या कोई गैर कानूनी काम करते हैं क्या? अजीब सी बात है, तानाशाही की रात चलते हैं और क्या। पर आप लोग मार्च करेंगे आज? मार्च करने के लिए तो आए हैं। मार्च देखिए, इस मार्च करने का बात नहीं है। हम लोग राहुल गांधी जाएंगे, हम एक साथ जाना चाहते हैं, इसके मार्च करने के कोई सवाल नहीं है या कोई दंगा फसाद करने के हमारा कोई मनसूबे नहीं है। वो बीजेपी के होते हैं, हमारे नहीं होते हैं सर। हम हर वक्त शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने में हम भरोसा रखते हैं, करते भी है। हमारे पार्टी कोई दंगा फसाद लगाने वाला पार्टी नहीं है, वो बीजेपी करती है। कहीं दंगा लगाना, कोई फसाद लगाना, वो हमारा काम नहीं है। जबरदस्ती ये और क्या, ये तानाशाही कर रहे हैं, मुझे ताजुब लग रहे हैं। डरी हुई कायर सरकार कांग्रेस के सत्याग्रह को और कांग्रेस बिल्कुल, ये मार्च जारी रहेगी। ये सत्य का आग्रह है, ना अंग्रेज डरा पाए कांग्रेस को और ना अंग्रेजों के पिट्ठू आज के हुक्मरान डरा पाएंगे। जब जब भाजपा और मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग, क्या रणनीति रहेगी? जनता की लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह से रणनीति क्या होगी उसकी? रणनीति यही है कि उसको उजागर करने के लिए सड़क पर, सदन में, अदालत में, सब जगह लड़ेंगे।